नमस्कार, आप देख रहे हैं द इजी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। सिपाड़ा के करीब ये गांव है, सिमरा गांव है, और यहां पर देख सकते हैं पप्पू यादव यहां पर जागरण का उद्घाटन करने पहुंचे थे, मगर लोगों ने बीच में ही पप्पू यादव को रोका और गुहार लगा रहे हैं। हम खुद बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अचानक लोगों ने आपको बीच में रोका। अरे हम ही बोले ना जी, पप्पू यादव है, हम यहाँ खाना खाए ना अभी जी, अगर तरकारी बहुत तगड़ा है जी। पूरा दास परिवार है हम लोग का, सब गरीब है, और रोड पर आका था भगाओ जी, और अभी तक जमीन भी नहीं दिया। इतना ठगा, 15 साल में हर बार कहता कि हम जमीन देंगे, पूछिए नहीं मिलता, और कभी एक रूम में खाना, एक ही रूम में पूरा परिवार। यही है सरकार, हम बोले हैं तो धरना प्रदर्शन दोनों पर बैठेंगे, छोड़ेंगे थोड़े एकदम। अभी डीएम से बात करेंगे, और इस महल ये जब तक ये नहीं बसेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। पप्पू यादव यहाँ पर पहुँचे और देख सकते हैं इन्होंने खाना खाया, यहाँ पर रोटी और सब्जी थी, और खाने के बाद देखिए लोग किस तरीके से गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों की जो यहाँ पर घर है वो तोड़ दिया जाएगा। उसको लेकर देखिए पप्पू यादव से कितनी उम्मीदें हैं लोगों को कि पप्पू यादव को रास्ते में रोक कर भोजन कराया जाता है, और उसके बाद इनसे बात करेंगे। कौन बोलता है कि घर तोड़ देंगे आप लोग? ना गरीब को, जैसे हम लोग जो है ना, हाँ। सब आया नेता, अच्छा। लेकिन आता नेता आता है, हाँ। हम लोग खाली खाली सत्संग करके चल जाए। अब पप्पू यादव, पप्पू बाबू जो है ना, हम लोग को पूरा संतोष है। हम राष्ट्रीय, अरे हम राष्ट्रीय जनता पर रह गए, आज तक बुरा हो गया, लेकिन कोई नहीं मिला। लेकिन कुछ महिलाएं भी हैं पप्पू यादव आप लोगों के बीच आई, कितना उम्मीद है आप लोगों को पप्पू यादव से? नहीं तो वार्ड नंबर एक है, यहाँ लोग के संख्या के पूरे के जगह नहीं देंगे हम लोग, जगह नहीं संख्या के। अरे आप बताइए चाची, पप्पू यादव आप बोलिए बताइए तो ही सर, एक घर ने सर रहते हैं, न बाल के न बाती के न कुछ, कि पानी अब तो ढाई ढाई गिरा है तो कहने लगे बाल बच्चे के रह। पप्पू यादव पहुंचे आप लोगों के बीच, कितना उम्मीद जगा है कि आप कुछ ना कुछ समस्याओं का बताओ, आप कितने रह सकेला, कहाँ रह सकेला? आंसू है जिस तरीके से इन लोगों को बोला। देखिए पप्पू यादव बीच में है और जनता जो है इनसे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, और अभी पप्पू यादव यहाँ पर खाना खाए थे, और इनसे और कई लोग हैं। आप बताइए पप्पू यादव आप लोगों के बीच क्या समस्या है? क्या पप्पू यादव जी को बहुत हम सुने हैं, में जो बाढ़ आया है इसमें वो लोग बहुत सहायता, समस्याएं क्या थी? बहुत समस्या है सब, हम लोग पढ़ लिख कर भी बेकामयाबी है। अच्छा, पप्पू यादव से कितने उम्मीदें हैं? उम्मीदें बहुत है सर कि कुछ कर, उम्मीदें तो है, आश्वासन दे के लोग जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि नेता वोट टाइम में आते हैं, बहुत वादे करते हैं पर पूरा नहीं होता, और पप्पू यादव खुद यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर आकर खाना खाया, रोटी और सब्जी जो है बैगन की सब्जी थी, और खाने के बाद देख सकते हैं पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे हैं। और ये दृश्य हम आपको सीधा दिए जी न्यूज़ दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। पप्पू यादव इन तमाम लोगों से मिले, इनकी समस्याएं जाना, उनके बाद पप्पू यादव ने डीएम को कॉल लगाकर यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया है। और पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है अगर समस्याएं हल नहीं होंगी तो वो धरने पर बैठेंगे और आंदोलन भी करेंगे। डीएसजी न्यूज़ के साथ बने रहें, हम तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं वसीम, डीएसजी न्यूज़ पटना।